हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है एक मैसेजेस के लिए, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस, स्पेशली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे, वो रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। अरे टैरो से देखेंगे, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड, फोर ऑफ वैंड्स एंड टेन ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल और हैंगमैन। फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। टेम्परेंस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो रातों रातों को सो नहीं पाते, आपके लिए वो बेहद अट्रैक्शन फील कर पाते हैं बहुत ज़्यादा। एक ऐसी एनर्जी है ना, दो तरह की है, कि जहाँ पे आपके बीच में जो झगड़े, मनमुटाव, सेपरेशन की वजह, हर चीज़, जो भी सेपरेशन की वजह है ना, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं, रोते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हुआ था। अगर ये अभी भी हो रहा है तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन, अजीब सी कश्मकश में है। तो कहीं पे अगर ये हो चुका था और उसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन आया था, तो डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि ये सब क्यों हुआ, इतना खूबसूरत रिश्ता, इतना सब कैसे अचानक से सब कुछ कैसे खो दिया। आपके बारे में बहुत ज़्यादा एक ना एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक सेलिब्रेशन, खास करके आपके साथ बिताए हुए कुछ पल है वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। कुछ ऐसा सेलिब्रेशन का मौका जिसमें हो सकता है कि आपकी बर्थडेज हो, एनिवर्सरी, मिलने का दिन, या कुछ तो ऐसा सेलिब्रेशन के दिन, या हो सकता है कि कभी किसी शादी के वक्त आप लोगों ने एक दूसरे को देखा था, वो पल हर चीज़ जैसे ना उनको याद आती है। तो कहीं पे ऐसा लग रहा है कि शादी की कमिटमेंट उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपसे दूर रह पाना अभी अब उनको थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली अगर कनेक्शंस काफ़ी ज़्यादा नए हैं, अभी सिर्फ देखा देखी शुरू है, तो शादी की कमिटमेंट मिलने के चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी उनको ऐसा पछतावा है कि आप लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स की वजह है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ना अपने आप को मतलब ऐसे अंदर परेशानी है कि क्यों ये सब हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो आग के ऊपर थम से गए हैं, कि जाने अनजाने चाहे ना चाहे वो आपके बिना कुछ सोच नहीं पा रहे और आपके सिवा कुछ और भी सोच नहीं पा रहे, लेकिन हम कुछ भी करो घूम फिर के यही आना है, ये वाली सिचुएशन वो भी फील कर पाते हैं। ये आपकी तरफ जल्द ही कोई सॉलिड ऑफर लेके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से हमेशा ना जिम्मेदारी है, बोझा है, हमेशा मजबूरी इनके पास ही आती है, हर चीज़ से अभी थक गए हैं और वो अपनी खुशी के लिए, अपनी सोल हैप्पीनेस के लिए अभी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर दुनिया में सोल हैप्पीनेस अगर किसी के पास है उनका, तो वो आप ही के पास है, क्योंकि वो जैसे है, जैसे भी है, वो जिस तरह से आप उनको समझ सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, हर चीज़ जैसे आपसे ही जुड़ी हुई है। यहाँ से दो कार्ड लेंगे, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज और न्यू लव। तो जहाँ तक लग रहा है ना, कुछ लोगों के केसेस में
एक नए पर्सन की एंट्री होने वाली है और ये जो पर्सन है ना वो पूरी तरह बदल के आने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो पहली सोच थी, उनके जो पहले जिस तरह से गुस्सा, आर्गुमेंट या एक परेशानी की वजह जो हर चीज़ थी ना, वो प्यार में एक नई एनर्जी, नई शुरुआत मुझे दिख रही है कि चलो जो भी हुआ मिट्टी डालो और आगे नई शुरुआत करते हैं, ऐसी वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, लाइक ना जो पकड़ के रखा है ना किसी ने, स्पेशली आपने शायद किसी गुस्से की वजह से या कमिटमेंट ही चाहिए या किसी भी रीज़न से ये चीज़ें पकड़ के रखी है, तो यूनिवर्स का कहना है कि यस, जो होना है ना होने दीजिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए, यूनिवर्स आपके साथ है, बस हो रहा है, जो भी हो रहा है वो आप ही के लिए हो रहा है, इस बात का बस भरोसा रखें। तो कोई भी चीज़ लाइक डिवाइन टाइम की बात करो या कोई चीज़ों की बात करो, प्लीज़ उसे पकड़ के मत बैठिए। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, ये जो नाइन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ना, यही पहला कार्ड यही भी निकला है कि वो आपके बगैर बिल्कुल खुश नहीं है। थर्ड पर्सन, आपके बीच में कोई तो तीसरा पर्सन है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, आपका सेपरेशन हो या आपके बीच में झगड़े हो, मनमुटाव हो, तो उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ फील हो रही है। आई कॉन्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट यू, आपके बगैर ज़िंदगी के बारे में वो सोच नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं सकते। यू एंड मी फॉरएवर, आप और वो हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए, ऐसा उनको फील होता है, सपना देखे जाते हैं उनके से। ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, आपके लिए अट्रैक्शन गजब का है। एक लास्ट कार्ड, यू आर माई मूनलाइट। रातों को बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, रातों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में और कोशिश में आप ही की यादें निकाली जाती है, बहुत फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।